बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उसके बाद करीब 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। दिनांक 9 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनका उनके गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज DIG का ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक होगी। इसमें जो इनका रिजल्ट था उसमें भी कुल 11 पहचान के डॉक्यूमेंट्स की सूची दे दी गई है जो उनको अपने साथ लेके जाना होगा, और सभी अभ्यर्थियों का वहाँ पे उनका चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल जांच किया जाएगा। इसके अलावा जो इन लोगों के ज्वाइनिंग के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसका भी ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से अगले 10 दिनों के भीतर इनके पास चला जाएगा, और अपने अपने आवंटित जिलों में जब ये योगदान दे देंगे उसके पश्चात बिहार पुलिस अकेडमी में इनका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगा। धन्यवाद सर। नई बहाली कब तक आने की संभावना है? जैसे ही हम लोग नियुक्ति की है कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, और उसके बाद करीब 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके प्रोसेस शुरू हो गया क्या? जी प्रोसेस शुरू है सर। क्या वजह सर ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है 65% आरक्षण को लेकर, उसके जज में भी आएगा सर बहाली? नहीं, उसमें अभी जो वर्तमान जिसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। उसमें जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसी के आधार पे करेंगे हम लोग। तो इसमें जो नियुक्ति होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो तो जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है या सिपाहियों के लिए जो अलग आयोग है उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग उस उन चयनित अभ्यर्थियों का की नियुक्ति करते हैं। क्या सर इसी साल या नेक्स्ट ईयर? इसी वर्ष। सर आज से HRMS से छुट्टी देने प्रक्रिया शुरू हुआ है, 1-10 तक चलेगा जी, लेकिन कई थाना प्रभारियों को, कई जो पुलिस अफसर है उनसे हम लोग बात किए, बोले हमको तो ID मिला ही नहीं। नहीं 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 नहीं, कैसे हम लोग इन करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये आपको थोड़ा सा उस तरह ऐसा नहीं है। 1-10 तारीख तक ये पुलिस मुख्यालय के लिए है, और ये हम लोग ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं कि ऑनलाइन HRMS के माध्यम से भी किया जाएगा, और साथ ही साथ पेपर वाला भी, पेपर के माध्यम से भी किया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, और 11 से फिर उसको मैंडेटरीली ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये मतलब लोग करेंगे ना? ये प्रक्रिया फिलहाल पुलिस मुख्यालय में शुरू की गई है, अन्य जगहों में भी हम लोग धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।